बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज ने अपने अपने पार्टनर के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। इसमें सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक शामिल थे। अब धर्मेंद्र की भी एक फोटो सामने आई है जिसमें वो अपनी पार्टनर के साथ वैलेंटाइन डे मनाते नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए बॉबी देओल ने लिखा, माय फॉरएवर वैलेंटाइन्स, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। कुछ दिन पहले न्यू ईयर के मौके पर भी दोनों को साथ देखा गया था। उस समय धर्मेंद्र और प्रकाश के साथ उनके दोनों बेटे बॉबी सनी भी थे। यह एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। प्रकाश कौर अपने बेटों बॉबी और सनी के साथ रहती हैं, लेकिन 82 साल के धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। धर्मेंद्र ने प्रकाश को तलाक दिए बिना ही साल 1979 में हेमा मालिनी से शादी कर ली थी। इसी के बाद से दोनों अलग रह रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि अब 39 साल बाद धर्मेंद्र को अपनी पहली पत्नी की कमी खल रही है, इसलिए वो हेमा मालिनी को छोड़ प्रकाश कौर के साथ समय बिता रहे हैं। प्रकाश से धर्मेंद्र की शादी उस वक्त हुई थी जब वो सिर्फ 19 साल की थी। दोनों के चार बच्चे बॉबी देओल, सनी देओल, अजेता और विजेता हैं। अजेता और विजेता भी आज तक लाइमलाइट में नहीं आई हैं। दोनों ने विदेश में घर बसा लिया है। बता दें कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था।